अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सोमवार को शहर के स्टेच्यू सर्किल पर स्थित बिरला ऑडिटोरियम में अपने 75वें स्थापना दिवस पर अमृत महोत्सव समारोह आयोजित किया गया। समारोह में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के राजस्थान क्षेत्रीय संघ प्रचारक निम्बाराम रहे। कार्यक्रम के दौरान एवीपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल अकांत सहित अन्य कई पदाधिकारी मौजूद थे। समारोह की अतिथियों ने विधिवत माँ सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की। जयपुर की स्कूली छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। विधायक और मंत्री जावर सिंह खरा ने भी वहां पर शिरकत की। मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों में अच्छे संस्कार देने के लिए, उन्हें शिक्षा राष्ट्र को समर्पित करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई थी। खरा ने बताया कि अब एवीपी ने अपने 75 साल पूरे कर लिए हैं। इसी जोश और खुशी के साथ पुराने अखिल भारतीय परिषद के सदस्यों ने मिलकर अमृत महोत्सव का आगाज किया है। इस कार्यक्रम का मकसद युवा विद्यार्थियों में राष्ट्र के प्रति प्रेम जागरूक करना और पुराने कार्यकर्ताओं के समर्पण को देखकर उनके भी मन में जागृत करना है। बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का 2047 तक भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित है। हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि एबीपी ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो ज्ञानशील और अनुशासन के लिए जाना जाता है। एबीपी में राष्ट्रवाद देश के प्रति समर्पण है। विद्यार्थी परिषद अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा है। अभी सफलतापूर्वक 75 साल पूरे होने पर खुशी खुशी वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। ये दिन आप सभी के सहयोग, समय और समर्पण से ही संभव हो पाया है। विद्यार्थी परिषद की गतिविधियां सामाजिक सरोकारों को भी बखूबी निभाता है। समारोह के दौरान युवाओं ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के जमकर नारे लगाए, जिससे पूरा सभागार गुंजायमान हो उठा। तो स्कूल और कॉलेज में विद्यार्थी बालक बालिकाएं पढ़ते हैं, उनमें अच्छे संस्कार देने के लिए, उन्हें शिक्षा के प्रति समर्पित करने के लिए, राष्ट्र के प्रति समर्पित करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई थी। और ये अपना सफलतापूर्वक 75 साल का सफर पूरा कर आज अमृत महोत्सव के रूप में पुराने जितने भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे, उनके समागम के रूप में इस समारोह का आयोजन किया गया है, ताकि विद्यालयों और महाविद्यालय में पढ़ने वाले किशोर और युवा वर्ग के विद्यार्थी बालक बालिकाओं में राष्ट्र के प्रति हमारे पुराने कार्यकर्ताओं को देखकर प्रेम जागृत हो और वो भी राष्ट्र के मुख्य धारा के साथ जुड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी का इस देश को 2047 तक दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बनाने का सपना और स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे जो लाखों करोड़ों स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, जिन्होंने जिन सपनों के साथ, जिन उम्मीदों के साथ, जिन आशाओं के साथ अपना सर्वस्व इस राष्ट्र को अर्पण किया था, 2047 आते आते हम उनके सपनों को पूरा करते हुए भारत को दुनिया का सबसे सुशासन वाला, संस्कारवान पीढ़ी वाला और सबसे विकसित राष्ट्र बनाने में सफलता प्राप्त कर सकते। भारतीय विद्यार्थी परिषद का आज 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं हैं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्ञानशील के लिए जाना जाता है, जहाँ अनुशासन है। और विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसा संगठन है जहाँ पर राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र की सेवा सर्वोपरि, स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसका विद्यार्थी एक नियम कायदे अनुशासन से रहकर और राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहता है। अध्ययन के साथ, ज्ञान के साथ इस देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर कार्य में कार्यरत रहता है। ऐसा है संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसका अमृत महोत्सव में आज आने का अवसर मिला। मैं पूरे समस्त विद्यार्थियों को बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और इसी प्रकार से संगठन की गतिविधियों से आगे बढ़ते हुए देश की प्रगति और उन्नति के लिए हम सब काम करते रहें।